बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन गंभीर घाव करेगा। कैसे? आंसर गलत आएगा अगर ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया। 3 + 3 / 3 क्या आंसर होगा आयुष? एक बच्चा 3 बता रहा है, एक बच्चा 4 बता रहा है, एक बच्चा 2 बता रहा है। देखते हैं क्या होता है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। 3 + 3 / 3 तो 3 + 3 6 कर देते हैं हम, और 3 से डिवाइड दे देते हैं तो 2 आ जाता है। ये कहना चाह रहे हो आप, जो कि गलत है। ज़्यादातर यही अप्रोच लेकर चलते हैं हम और गलत होता है, अप्रोच को बदलते हैं। आ जाओ 3 + 3 / 3 अगर हम 3 + 3 / 3 कर रहे हैं तो 3 से 3 में डिवाइड दिया, 1 आ गया। क्या आ गया? 1। और 1 में 3 जुड़ गया तो 4 आ गया। तो ये है इसका एक्यूरेट आंसर। बोलने पे लफ्ज़ों पे ध्यान दो, लफ्ज़ बहुत ज़रूरी हैं। आंसर सबका आ गया है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 3 + 3 / 3 मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया। अगर मैं कॉमा लगाता, अगर मैं ऐसे बोलता 3 + 3 / 3 तो फिर ये वाला ठीक था आपका जो आप बता रहे थे 2। क्यों? क्योंकि उसमें ध्यान दो, क्योंकि उसमें 3 + 3 पहले होता, उसके बाद डिवाइड होता। 3 + 3 हो गया, 3 + 3 हो गया, होने के बाद 6 आ गया, उसके बाद डिवाइड होता उसमें 3 से तो 2 आता, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कॉमा नहीं है, मैंने कॉमा नहीं दिया था। कॉमा से होता रुक जाओ थोड़ी देर, उसके बाद अगला प्रोसेस करो। तो 3 + 3 को के बाद कॉमा नहीं है, तो 3 + 3 / 3 तो तुरंत ही हमें 3 + 3 / 3 तो 3 में प्लस कर रहा है जो 3 और 3 के डिवाइड देके आएगा उसमें, समझ गए? कॉमा ना होने से कितना बड़ा असर हो जाता है सवाल में। सवाल को ऑब्जर्व करना बड़ी बात होती है, सॉल्व करना सब पे आता है लेकिन अप्रोच 3 + 3 / 3 तो पहले 3 से 3 में डिवाइड दिया, 1 आ गया, 1 में 3 जोड़ दिया, 4 आ गया एक्यूरेट आंसर। समझ में आया अप्रोच? चलो कुछ नया लेके आते हैं। जय हिंद।